नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिया स्पिरिचुअल में। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक जगह है धनुषकोडी। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर स्थित है। इसे भारत का अंतिम छोर माना जाता है। ये वो जगह है जहाँ से श्रीलंका साफ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि ये जगह पहले से वीरान थी। एक समय यहाँ पर ढेर सारे लोग रहा करते थे, लेकिन अब ये जगह वीरान हो गई है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, जो दोनों देशों के बीच एकमात्र ऐसी स्थलीय सीमा है जो पाक जल संधि के बालू के टीले पर मौजूद है, जिसकी लंबाई केवल 50 गज है। इसी वजह से इस खास जगह पर दिन के वक्त लोग काफी घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले सभी को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रात के वक्त घूमना बिल्कुल मना है। लोग शाम होने से पहले रामेश्वरम लौट जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि धनुषकोडी से रामेश्वरम का रास्ता 15 किलोमीटर लंबा है और ये बेहद सुनसान है। यहाँ किसी को भी डर लग सकता है, क्योंकि इस इलाके को बेहद रहस्यमय माना जाता है। कई लोग तो इस जगह को भूतिया जगह मानते हैं। साल 1964 में आए खतरनाक चक्रवात से पहले धनुषकोडी भारत का एक बेहतरीन पर्यटक स्थल था। उस धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, होटल और पोस्ट ऑफिस बना हुआ था, लेकिन साल 1964 में आए चक्रवात ने सब खत्म कर दिया। कहा जाता है कि इस दौरान 100 से अधिक यात्रियों वाली एक रेलगाड़ी समुद्र में डूब गई थी। तब से ये जगह सुनसान हो गई। ऐसा कहा जाता है कि धनुषकोडी वो जगह है जहां समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण शुरू किया गया था। इसी जगह पर भगवान राम ने हनुमान को एक पुल का निर्माण करने का आदेश दिया था, जिस पर से होकर वानर सेना लंका में प्रवेश कर सके। धनुषकोडी में भगवान राम से जुड़े कई मंदिर आज भी मौजूद हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि विभीषण के निवेदन करने पर भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से इसका नाम धनुषकोटी पड़ा। तमिल में कोटी का मतलब सिरा होता है, इसीलिए इसे धनुषकोडी कहा गया है। इसीलिए इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां रात में जाने पर कोई जिंदा वापस नहीं आता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं एवरी के साथ। नमस्कार।